फ्रेंड्स, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। एक कच्ची कैरी आई है मेरे यहाँ, मैं इसका अचार बनाने वाली हूँ। एक ज़्यादा खट्टा नहीं है, मीठा ही है, फिर भी मैं इसका अचार बनाऊँगी। देखिए, इसको पकने के लिए रखेगा तो पकेगा, लेकिन अभी और भी बड़ा है। देखिए, इधर कट करके रख रही हूँ, सबको मैं काट लेती हूँ। देखिए, सभी आम को मैं कट कर ली हूँ। इसका ये बीज है, निकाल ली हूँ। ये कट करके पानी में रख दी हूँ, 2-3 घंटा पानी में रखूँगी। उसके बाद इसको पानी से निकाल के हल्दी नमक लगा करके धूप में सूखने को डालूंगी। अभी 2-3 घंटे के लिए इसको ऐसे ही रखूँ, तब पानी में ही भिगो के रखूँगी ताकि इसका करवाहट निकल जाए। कसैलापन, आम में जो कसैलापन रहता है ना, वो निकल जाएगा। एक कोइल है, कोइल को निकाल रही हूँ। बचपन में इस कोइल से सब खेलते थे। अच्छा, अभी इसको पानी से निकाल ली हूँ। पानी से छान के निकालने के बाद मैं इसमें डालूँगी हल्दी। नमक, इसको थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ। नमक हल्दी को अच्छे से मिक्स कर ली है इसे। अभी इसको धूप में सूखने को रखो। देखिए, इसको मैं फैला ली हूँ। अभी सभी मसालों को रोस्ट कर ली हूँ। देखिए, अभी मिक्सर में इसको पीसूंगी। मसाले पीस गए हैं, सिर्फ अभी मिर्ची बाकी है। मिर्ची को थोड़ा बाद में पीसती हूँ। अभी सब लोग यहाँ देखिए, आम सूख गया, इसको छत पर से लेके आ गई हूँ। अभी मसाला भी सब तैयार हो गया है। ये मिर्ची है, हींग है, तेल है। अभी इसको मैं तैयारी करती हूँ। ये सरसों का है, ये अजवाइन, सौंफ, मेथी, मिर्ची, ये थोड़ा काली मिर्ची, जीरा पाउडर है, थोड़ा सा कलौंजी डाल देती हूँ। इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। अभी सबको मिक्स करना है। इसमें नमक 2 चम्मच, बड़ा बड़ा चम्मच से डाल देती हूँ। और इसमें अभी तेल डालती हूँ। अभी तेल इसमें डाल दी हूँ। अभी इसको मिक्स कर लेती हूँ। इसमें हींग डालूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये सब मसालों को मैं मिक्स कर ली हूँ। अब इसको बर्नी में भर लेती हूँ। ये डब्बा है मेरे पास, और दूसरा कोई डब्बा ही नहीं है।
है लेकिन कुछ ना कुछ रखा हुआ है। फिलहाल अभी मैं इसको मैं भर लेती हूँ। देखिए मैं सब पलटी कर ली हूँ इसमें, तभी इसमें और तेल डालूंगी और इसको ढक्कन बंद करके धूप में रख दूंगी 3-4 दिन के लिए, फिर ये तैयार हो जाएगा खाने के लिए। मसाला में इतना बच गया है, ज़्यादा नहीं डाली, मिर्ची पाउडर पूरा डाल दी। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, पता नहीं कैसे बनता है, हेयर स्टाइल से है, सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। कोई तेल गर्म करके डालते हैं। अब इसका ढक्कन बंद कर देती हूँ। देखिए तैयार हो गया। आज मेरा आज का ब्लॉग यही था, आम का अचार। अभी इसको मैं धूप में रखूँगी, जब पक जाएगा तो किसी ब्लॉग में मैं दिखाऊँगी। बाय बाय। वीडियो कैसी लगी बताइएगा।